भारतीय जनतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल सुभान ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि होने वाले आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 100 से अधिक सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार के नेता और कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं, तो वहीं बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण और बाढ़ की विभीषिका से लोगों को बचाने में नीतीश सरकार पूरी तरह अक्षम साबित हुई है। चुनाव के लिए इसके लिए हमारा पूरा टीम काम कर रही है। इसके पीछे वजह है कि हमको आना पड़ा इस सिस्टम में, कि जो सुशासन बाबू का राज चल रहा है, जिनके सारे दावे जो हैं वो घोसला है, जो है एकदम ये किसी काम का नहीं, सिर्फ पेपर पे है और नेचुरल वर्ल्ड पे कहीं नहीं है। एक तो कोरोना का मार, ऊपर से अभी जो सीमांचल में पूरा बाढ़ पूरा डूबा हुआ एरिया है, जाके देखिए, एक एक आदमी को खाने और पीने के लिए नहीं है। इनके जितने भी दावे हैं सिर्फ पेपर में हैं। इसी कारण से हम लोग को इस बार चुनाव को जो है फुल फ्लेज में करके इनको जो है बताना है कि इस राज्य में इनका दावा बिल्कुल फेल हो गया है। एक भी दावा इनका जो किया हुआ सिर्फ पेपरबाजी होता है, काम कुछ नहीं हो रहा है। अकेले लड़ेंगे या साथ में किसी के साथ जाने का? अभी हमारी बातचीत चल रही है, कई पार्टियों से संगठन होकर लड़ेंगे, और नहीं अगर सही पार्टी मिला तो हम अपने खुद भी इतना है क्षमता है कि लड़ के अपना सीट निकाल सकते हैं। 100 प्लस के तैयारी चल रही है, जो टीम काम कर रही है इसके लिए। किसी दल की कहाँ पता लगा है, विचार अच्छा लगा है या अभी तक ये भी तय नहीं हुआ है? नहीं, अभी तय हो गया है, कुछ अभी होना बाकी, फिर मैं आप लोग के द्वारा घोषणा कर दूंगा कहाँ पर कैसे कैसे क्या हो रहा है। टोटल एक्टिविटी आप लोग को मिलती रहेगी हमेशा आपके प्रेस के द्वारा, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आए इस बात के लिए, ये बात को फैलाइए। ये जो सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है, वर्क कुछ नहीं हो रहा है, ये सरकार पूरा फेल्योर है। समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकता, हमारे देश भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव हासिल है। हमारा गणतंत्र की 6 दशक से ज्यादा पुराना हो चुका है, इसके बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर अब तक औसतन अधिकतम 50% से अधिक मतदाताओं को अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाना चिंताजनक है। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा की तरह मुंह फैलाई बढ़ती जा रही है, और आम आदमी बुनियादी जरूरतों से मशरूम होता जा रहा है। भ्रष्टाचार एवं अपराधीकरण दीमक की तरह चाटकर देश को कमजोर कर रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण तथा हमारे महापुरुषों के आदर्शों एवं सिद्धांतों के प्रति उदासीनता तथा स्वाधीनता सेनानियों के दरकते सपने आज समाज एवं राष्ट्र के लिए गंभीर चुनौती है। राजनीतिक दलों का संकल्प सत्ता हासिल करने का माध्यम मात्र बन गया है, व्यवस्था नहीं बदल पा रही है। ऐसी हालत में एक ऐसी राजनीतिक दल की अत्यधिक आवश्यकता है जो सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की हिमायती हो। भारतीय जनतांत्रिक जनता दल वंचित एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राष्ट्र के विकास के मुख्य धारा से जोड़कर उनके सार्वजनिक विकास के लिए संकल्पित है। राष्ट्र की जन समस्याओं से संघर्ष करने एवं निराकरण करने के लिए संकल्पित है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता अक्षुण रखने के लिए संकल्पित है। स्वतंत्रता संग्राम एवं समाजवादी आंदोलन के दौरान जिन उच्च विचारों ने हमारे मार्ग प्रस्तुत किया था और जो विरासत एवं हमें राष्ट्रीय महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, रामास्वामी नायकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्श के रूप में मिली है, उससे प्रेरणा लेकर भारतीय जनतांत्रिक जनता दल एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं गांधीवादी विचारधारा के लिए संकल्पित है। वह ऐसी राज्य व्यवस्था में विश्वास करता है जिसमें आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विविधीकरण निश्चित हो। हमारे देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि ने संप्रदाय के लोगों ने शहादत दी, लेकिन कुछेक राजनीतिक दलों ने हिंदू मुस्लिम की रोटी सेक कर इस समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता आ रहा है। भारतीय जनतांत्रिक जनता दल इसमें समानता कायम करेगा। जमीनी हकीकत को पहचानते हुए जन समस्याओं के निराकरण के साथ जन जागृत एवं जनशक्ति बल पर भारतीय जनतांत्रिक जनता दल का अभियान आपके सन्ने एवं सहयोग का आकांक्षी है। अब्दुल सुभान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनतांत्रिक जनता दल। जी सर, नहीं था सर। हाँ, मुख्तार अली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनतांत्रिक जनता दल।
जितेंद्र कुमार राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कार्यालय प्रभारी भारतीय जनतांत्रिक जनता दल, मोहम्मद सहर यार बिहार प्रदेश भारतीय जनतांत्रिक जनता दल, श्यामा सुभा महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष भारतीय जनतांत्रिक जनता दल राष्ट्रीय।